तो ये टिकट आ रही है, तीन टिकट ली है अभी स्टैंड की। ठीक है बापू चलते हैं, बैठने में मजा आ गया, ट्रेवल करने में बहुत मजा आ गया आएगा, क्योंकि आपने देखा कि इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटके नहीं लगे, स्मूथ तरीके से 130 की स्पीड साथ ही आपको दिखाई थी। इसी में हम वापस जाएंगे और हम खड़े हैं दवाई डिपो पर और यहीं तक ये है ट्रेन। बहुत शानदार एक दियो, देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और बहुत एक शानदार तरीके से चीज बनाई गई है, इसको हम दबाएंगे, देखिए ये गेट खुल गया है और इसमें हम एंट्री करेंगे और ये है हमारा स्टेशन कंपार्टमेंट, इसमें आ चुके हैं। अब देखिए ये बहुत शानदार देश में आपको दिखाया, बटन दिया गया था इसको प्रेस करके हम अंदर आए हैं और वापस जाने के लिए भी इसमें देखिए ये स्विच दिया हुआ है। आइए दिखाओ अपने व्यूअर्स को, तो जिसको उतरना था यहाँ से प्रेस करके इसको खोल सकते हैं। तो साथियों ये है RRTS की नमो भारत, बहुत शानदार ट्रेन, अभी इसी प्रीमियम कोच से हम उतरे हैं। तो आयुष एग्जिट करेंगे यहाँ से, टिकट लेंगे वापस और आएंगे दोबारा और वापस चलेंगे साहिबाद की तरफ। तो निकालिए टिकट, तो यहाँ से बहुत बेहतरीन ये बनाया गया है, QR कोड इसमें दिया गया है, इसी से हमने इन किया था, इसी से हमने आउट किया है। तो साथियों ये ट्रेन है दोहाई डिपो का लास्ट स्टॉप, निकले हैं हम साहिबाद से वापस यहाँ पर आए हैं। ये सब स्टैंडर्ड कोच, यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ से वापस टिकट लेंगे, लौट के आएंगे वापस चलेंगे साहिबाद की तरफ। तो अभी आयुष एक स्टैंडर्ड कोच की टिकट निकालेंगे साहिबाद की, यहाँ से लेंगे वापस चलेंगे नमो भारत से। यहाँ आज जितने भी पैसेंजर्स आए हैं सब ट्रेन में एंजॉय करने आए हैं, किसी को कोई काम नहीं है, तो एक तरफ से आ रहे हैं वापस जा रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। तो आयुष टिकट निकालते हुए कितना आया आयुष? 150 रुपये। तो ये 150 रुपये 50 रुपये टिकट है स्टैंडर्ड की साहिबाद तक की। तो ये टिकट आ रही है, तीन टिकट ली है अभी स्टैंडर्ड की। ठीक है वापस चलते हैं, बहुत शानदार स्टेशन। जाओ लेडीज का कह रहे हैं, थैंक यू बॉस, नई ट्रेन आने वाली हो गई अभी। और अभी एक दूसरी ट्रेन आएगी, उस ट्रेन का वेट करेंगे और निकलेंगे नमो भारत में। तो साथियों जो ट्रेन से आए थे वो ट्रेन तो वापस जा चुकी है, अब हम इंतजार कर रहे हैं अगली ट्रेन का और हमने टिकट ली है इस बार स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट की और जिसकी टिकट है सिर्फ 50 रुपया। इतनी शानदार ट्रेन और हम जाएंगे दोहाई डिपो से साहिबाद की तरफ और टोटल डिस्टेंस है 17 किलोमीटर और इसे कवर किया है 15 मिनट के अंदर। तो डॉक्टर बीना हमारे साथ में, तो आपको कैसा लगा ट्रेन में आके, आप आए थे प्रीमियम कोच के अंदर, तो आपको एंजॉय किया आपने और मजा आया आपको? सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है और मतलब बैठने में मजा आ गया, ट्रेवल करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने देखा कि इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटके नहीं लगे, स्मूथ तरीके से 130 की स्पीड साथ ही आपको दिखाई थी और हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हम वेट कर रहे हैं अब अगली ट्रेन का और बैठेंगे और आपको दिखाते हैं अगली जर्नी साहिबाद तक के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू, एक पूरा RRTS दोहाई डिपो स्टेशन का बहुत शानदार बनाया गया है। आप देखो इंटरनेशनल नॉर्म से यहाँ पर चीजें दी गई हैं। वेट कर रहे हैं अगली ट्रेन का, निकलेंगे साहिबाद तक। तो साथ ही बहुत मजा आ रहा है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन
ट्रांसपोर्ट के अंदर किया गया है और भारत सरकार की तरफ से एक शानदार RRTS ट्रेन को चला गया जिसका नाम है नमो भारत। यहाँ पर जितने भी आज पैसेंजर दिख रहे हैं वो सब इसी टाइप के हैं कि सब मौज करने के लिए आए हुए हैं ट्रेन के अंदर, अभी आए हैं उसी से वापस जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है वहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस तरह से आज सब एंजॉय कर रहे हैं। संडे का दिन है, सेकेंड डे है ट्रेन को चलने का और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी ट्रेन नहीं आई है, बस आने वाली है, 15 मिनट का एक लीव पीरियड है इसके अंदर, वेट कर रहे हैं और बस निकलते हैं शाहीबाद की तरफ। तो साथियों ट्रेन आ रही है ये नमो भारत, इसी में हम वापस जाएंगे और हम बढ़े हैं दवाई डिपो पर और यहीं तक ये है ट्रेन। बहुत शानदार एकदम इंटरनेशनल से ये ट्रेन को बनाया गया है, सभी लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अभी इससे भी जो लोग उतरेंगे वो भी वापस जहाँ से चढ़े हैं जाएंगे क्योंकि सब लोग एंजॉय करने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम जाएंगे अभी स्टैंडर्ड के अंदर और ये ट्रेन रुक चुकी है। देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और बहुत एक शानदार तरीके से चीज बनाई गई है, इसको हम दबाएंगे, देखिए ये गेट खुल गया है और इसमें हम एंट्री करेंगे और ये है हमारा स्टैंडर्ड। तो ये आपका स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट, इसमें आ चुके हैं। अब देखिए ये बहुत शानदार, देश में आपको दिखाया बटन दिया गया था जिसको प्रेस करके अंदर आए और वापस जाने के लिए भी इसमें देखिए ये स्विच दिया हुआ है। आइए दिखाओ अपने व्यूअर्स को, तो जिसको उतरना था यहाँ से प्रेस करके उसको खोल सकते हैं। तो साथ ही बैठते हैं यहाँ पर, इंतजार करते हैं आगे जाने का, आ जाओ आगे बढ़ेंगे चलो। तो ये है आपकी, जैसे कि साथियों अभी हम प्रीमियम कोच के अंदर आए थे तो उसके अंदर जो सीट थी वो रिक्लाइनर थी, बट इसके अंदर सीट रिक्लाइनर नहीं है, नॉर्मल सीट इसके अंदर दी हुई है और इसका फेयर है साहिबा तक 50 रुपए और जबकि हम प्रीमियम में जाएंगे तो वो है 100 रुपए। तो रिक्लाइनर नहीं है इसके अंदर और देख ठीक है ये सीट भी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको वो नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं लेकिन बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया सीट है, बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा कोई इसके अंदर इशू नहीं है। तो ट्रेन तो बहुत शानदार बनाई और देखिए अगर हम देखिए आगे आइज दिखाओ पूरा खड़े हो गए, ये आगे तक जो दिखाया ना पूरा ट्रेन पूरा पैसेज दिया गया है इसके अंदर और जहाँ तक मेरा ख्याल है आगे वाला जो कंपार्टमेंट है वो लेडीज कंपार्टमेंट है और ये पीछे देखिए बैक साइड के अंदर ये पूरा सामने तक दिखता है ट्रेन आपस में जितने डिब्बे जुड़े हुए हैं और बैक साइड के अंदर प्रीमियम कोच दिया गया है। तो ये है ये ट्रेन टर्मिनेट, क्योंकि दोहाई डिपो है ट्रेन यहाँ तक आई है इसलिए यहाँ टर्मिनेट है, वापस जा रही है तो हम शाहीबाद के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो साथियों ट्रेन चल रही है देखिए यहाँ से और जा रही है टूवर्ड शाहीबाद, कोई भी आवाज नहीं, कोई भी झटका नहीं, एकदम स्मूथ और आपको दिखाया था कि 130 तक इसकी स्पीड आ चुकी थी और देखिए कितनी सफाई इसके अंदर है क्योंकि नई ट्रेन चालू हुई है, अभी ज्यादा इसके अंदर भीड़ नहीं है, सिर्फ लोग इसमें एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है तो हम थोड़ी स्पीड आपको दिखा नहीं सकते हैं लेकिन बहुत सही गाड़ी की स्पीड है और चल रही है समय। आओ दोस्तों आपको दिखाते हैं बाकी, और तो अभी आने वाला है दोहाई स्टेशन जो रुकेगी यहाँ पर और उसके बाद में गुलदर है और फिर गाजियाबाद है, उसके बाद में लस साहिबाद है, टोटल 5 स्टेशन बनाए गए हैं RRTS के अंदर। ट्रेन का नाम है नमो भारत जो कि पहले रैपिड एक्स थी तो अभी नाम चेंज किया गया इसका, तो अभी थोड़ा स्लो डाउन हुई है स्पीड और गाड़ी रुकने वाली है अभी दोहाई स्टेशन पर। तो साथियों ये है फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर है और बहुत जल्दी इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं और ये सब बताता है कि भाई 2030 तक इंडिया को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये डेवलपमेंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा।